देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। पीएम मोदी की सुरक्षा चूक की सुनवाई, अब सोमवार को आज सुप्रीम कोर्ट में सीजेआई रमन्ना की बेंच ने की सुनवाई। चुनाव के लिए काशी क्षेत्र में भाजपा ने उतारी पुरानी टीम, यूपी में 5 से 8 चरण में हो सकता है मतदान। काशी हिंदू विश्वविद्यालय के 28वें कुलपति ने संभाला पदभार, प्रोफेसर सुधीर कुमार जैन ने ग्रहण किया पदभार। भारत में 150 करोड़ वैक्सीनेशन का लक्ष्य पूरा, पीएम आज स्वास्थ्य कर्मियों और लाभार्थियों से करेंगे चर्चा। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में कोरोना के करीब 17,000 नए केस, पॉजिटिविटी रेट पहुंचा 17%। नमस्कार, प्राइम टीवी में आपका स्वागत है, मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। शुरुआत करते हैं उत्तर प्रदेश बुलेटिन की। चंदौली जनपद के मुख्यालय स्थित नगर के पुरानी बाजार में विधायक साधना सिंह के नेतृत्व में पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी के खिलाफ नारेबाजी हुई और मशाल जुलूस निकाला गया। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पंजाब के फिरोजाबाद में एक रैली का आयोजन हुआ था। इस दौरान रैली में शामिल होने के लिए प्रधानमंत्री का काफिला सड़क से जा रहा था। काफिले को रोड पर किसानों समेत अन्य संगठनों ने विरोध प्रदर्शन किया और काफिले को रोकने के वजह से प्रधानमंत्री वापस लौट गए थे। इस दौरान भारतीय जनता पार्टी के तमाम कार्यकर्ता और पदाधिकारी भी मौजूद रहे। खबर देवरिया से है, जहां पंजाब में पीएम की सुरक्षा में चूक मामले पर पंजाब सरकार के खिलाफ भाजयुमो कार्यकर्ताओं ने मशाल जुलूस निकाला। बता दें कि जिला अध्यक्ष प्रवीण प्रताप मल के नेतृत्व में सुभाष चौक से मशाल जुलूस निकाला गया, साथ ही पंजाब सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की गई। खबर सिद्धार्थनगर से है, जहां पुलिस लाइन में आए नए रिक्रूटमेंट आरक्षी की दीक्षांत परेड का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि जिलाधिकारी दीपक मीणा और पुलिस अधीक्षक यशवीर सिंह ने सलामी लेकर प्रारंभ किया। पुलिस लाइन ग्राउंड में आरक्षियों द्वारा कदम से कदम मिलाकर परेड धुन पर पूरे ग्राउंड का एक चक्कर तय किया गया, जिसमें जवानों ने पूरे अनुशासन और जिम्मेदारी के साथ दीक्षांत परेड का निर्वहन किया। वहीं जिलाधिकारी दीपक मीणा ने कहा कि यहां से निकलकर आप सभी अलग अलग जिलों में तैनात होंगे, जहां आप सभी को अपनी अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करना होगा। जहां भी चुनौती मिले वहां अपनी गरिमा, जिम्मेदारी और ईमानदारी को ध्यान में रखकर अपना कार्य करें और गोरखपुर में रिक्रूटर को शपथ दिलाई और आगे उनके आगे कार्यशैली भी जानकारी भी थी। पुलिस लाइन सिद्धार्थनगर में 6 माह का आरटीसी का प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद 98 रिक्रूट आरक्षी पास हुए हैं। इसमें टोटल 100 थे, 2 गैर हाजिर हो गए। 98 ने यहाँ से दीक्षांत समारोह में प्रतिभाग किया है। 50 हमारे रिक्रूट आरक्षी जो थे गोंडा में ट्रेनिंग कर रहे थे और 48 लेडी जो रिक्रूट आरक्षी थी, महिला जो थी, वो गोरखपुर में ट्रेनिंग प्राप्त कर रही थी। तो इस तरीके से इस जनपद को लगभग 200 आरक्षी मिलेंगे जो अब अग्रिम प्रशिक्षण के। सिद्धार्थनगर में यहाँ पे रिक्रूटी आरक्षी का पासिंग आउट परेड सेरेमनी हुआ है। 150 आरक्षी आज पास आउट हुए हैं, जिनमें से 100 की ट्रेनिंग सिद्धार्थनगर में हुई है, 50 की ट्रेनिंग गोंडा में हुई है। तो उसी सेरेमनी के उपलक्ष्य में सभी लोगों यहां पे मैं खबर अलीगढ़ से है, जहां जिले की ऐतिहासिक नुमाइश में हाथ से बना 400 किलो का ताला आकर्षण का केंद्र बन गया। अलीगढ़ के ज्वालापुरी नौरंगाबाद निवासी ताला कारीगर सत्यप्रकाश शर्मा और उनकी पत्नी रुक्मणी शर्मा ने 3 महीने की कड़ी मशक्कत से एक ऐसा ताला बनाया है जिसे वो दुनिया का सबसे बड़ा ताला होने का दावा कर रहे हैं। नुमाइश के उद्योग मंडप में इस बार 30 किलो की चाबी के साथ 400 किलो का विशाल काय ताला किया गया है, जिसकी ऊंचाई 10 फीट है। नुमाइश में इस ताले को दिखाने के लिए लोग भी बड़ी उत्साह के साथ पहुंच रहे हैं। ताला बनाने वाले कारीगर सत्यप्रकाश शर्मा ने बताया कि ताला इतना बड़ा है कि शायद भारत में ऐसा कोई ताला हो। ताला बनाने में लगभग 1 लाख रुपए की लागत लग चुकी है। सत्यप्रकाश शर्मा ने बताया कि उनके पिता भोजराज शर्मा अपने समय के नामी ताला कारीगर थे। उन्होंने भी अपने समय में 40 किलोग्राम का ताला बनाया था। इस तरह के दो
ताले तैयार किए थे। एक ताला कोलकाता में है और दूसरा ताला अलीगढ़ में है। ये 100 साल से पुराना काम चला आ रहा है और हमने ये ताला जो है अपने हिंदुस्तान का नाम ऑल वर्ल्ड में करने का मेरा विचार था, उसके लिए मैंने ये ताले का मतलब निर्माण किया है। अच्छा, इससे पहले मैंने एक ताला और बनाया था, वो 300 किलो का था, तो उसमें पूरी ऑल इंडिया की शिकायत आई थी मेरे पास कि ये ताला आपने राम मंदिर के लिए बनाया है, तो मैंने सबसे मना कर दिया था उस समय कि भैया ये तो पार्टी का ताला है, ये तो पार्टी को ही जाएगा और आगे के लिए मैं राम मंदिर के लिए दूसरा ताला का निर्माण करूँगा। तो मैंने इस समय ये हार्ट की पेशेंट होते हुए भी मैंने इस ताले को ये तैयार किया है, इसको क्योंकि ये है ताबी चाबियों से चलता भी है, अपना लगता भी है, सारे प्रोजेक्ट इसमें हैं। तो कितना वेट हो? वही अब खबर औरैया से है, जहां 3 अधिकारियों पर जीवित वृद्ध को मृत घोषित कर पेंशन रोकने का मामला सामने आया है। दरअसल अछलदा थाने में कोर्ट के आदेश पर बीडीओ और एडीओ और पंचायत सचिव के खिलाफ धोखाधड़ी की रिपोर्ट दर्ज की गई है। इस मामले में पीड़ित ने नवंबर 2019 में जिले के आला अधिकारियों को शिकायती पत्र दिया था। फरवरी 2020 को एडीएम के आदेश के बाद भी आरोपियों पर कोई कार्रवाई नहीं की गई थी। अब पुलिस कोर्ट के आदेश पर मामला दर्ज कर जांच कर रही है। अछलदा ब्लॉक क्षेत्र के मोहम्मदाबाद गांव निवासी सुनील कुमार की तरफ से कोर्ट के आदेश पर थाना पुलिस ने ब्लॉक क्षेत्र के अधिकारियों के खिलाफ धोखाधड़ी समेत अन्य धाराओं में रिपोर्ट दर्ज की है। साथ ही पीड़ित सुनील कुमार ने कहा कि उनके पिता शिवशंकर तिवारी को शासन की ओर से साल 2010-11 से वृद्धावस्था पेंशन मिल रही थी। साल 2019-20 में जब पिता के बैंक खाते में पेंशन नहीं आई तो उसने जानकारी ली, तब पता चला कि कर्मचारियों और अधिकारियों ने पिता को अभिलेखों में मृत घोषित कर दिया है, इसलिए शासन की तरफ से पेंशन निरस्त कर दी गई है। उसके बाद शिवशंकर तिवारी ने एडीएम को प्रार्थना पत्र देकर अपने जिंदा होने के सारे साक्ष्य प्रस्तुत किए। खबर बलिया से है, जहां शिक्षा शक्ति सहयोग संस्थान के सचिव विवेक कुमार सिंह ने वृद्धों के लिए अनोखी पहल की है। वृद्धों के लिए वृद्ध आश्रम खोलने की तैयारी में 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद की जयंती पर भव्य उद्घाटन होगा। जयंती की पूर्व संध्या पर 11 जनवरी को भव्य संदेश यात्रा का आयोजन किया गया है। आपको बता दें कि स्वामी विवेकानंद की जयंती को विभिन्न आयोजनों के साथ श्रद्धा पूर्वक मनाया जाएगा। हम लोग की संस्था द्वारा वृद्धा आश्रम का शुभारंभ किया जा रहा है। विगत कई वर्षों से हम लोगों ने नारी शिक्षा पे कार्य किया है, जिसमें कि 10,000 से अधिक महिलाओं को निशुल्क रोजगार पर प्रशिक्षण हम लोगों ने दिया है। इस वर्ष हमारी संस्था वृद्ध व्यक्तियों की सेवा के लिए वृद्धा आश्रम, चूँकि कोरोना काल में बहुत ऐसी परिस्थितियाँ आईं, बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम्स आया, इसको देखने के बाद संस्था ने निर्णय लिया कि हम एक वृद्धा आश्रम खोलेंगे, जिसमें कि कई ऐसे फैमिली एकल फैमिली होती जा रही है, जिसमें एक व्यक्ति के लिए पूरे फैमिली का खर्चा उठाना, वो वृद्ध व्यक्ति के भोजन इत्यादि और दवा। खबर सिद्धार्थनगर से है, जहां उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब विधायक निधि से निर्माणाधीन एंट्री गेट की शटरिंग गिर गई। इस दौरान शटरिंग गिरने से 6 लोग घायल हो गए, जिसके बाद घायलों का इलाज के लिए बेवा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया। बता दें कि घटना जिले के डुमरियागंज नगर पंचायत के बैदोला चौराहे की है, जहां विधायक निधि से बन रहे एंट्री गेट के ऊपर की ढलाई कुछ दिनों पहले ही हुई थी। इस बीच ढलाई के ऊपर कुछ राजमिस्त्री नक्काशी का काम कर रहे थे, तभी अचानक गेट की शटरिंग भरभरा कर गिर गई और इस दौरान वहां से गुजर रहे कुछ लोगों को भी चोट आई। इसके बाद घायलों को तत्काल स्थानीय लोगों की मदद से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया। वही घटना की सूचना पाकर मौके पर पहुंचे एसडीएम प्रमोद कुमार ने बताया कि मामले के जांच के आदेश दे दिए गए हैं, दोषियों को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा। तो शटरिंग गिरने के बाद यह हादसा हुआ है, जिसमें 6 लोग घायल हो गए हैं, और सुनाते हैं आपको क्या कुछ कहा है। हमारे फादर इन-लॉ हैं, मामू हैं हमारे, पहले फादर इन-लॉ भी हमारे, वो घर से आए थे चेहरा बनवाने के लिए। उसके बाद वो गेट जो माननीय विधायक जी हमारे बनवा रहे हैं भारद्वार के नाम से बदला चौराहे पर, तो उस पे किसी के पास फल खरीद रहे थे और सब्जी, अचानक वो गेट जो है गिर गया। और बैदौला चौराहे डुमरियागंज में एक गेट का निर्माण हो रहा है,
जो विधायक निधि से हो रहा है और इसके ठेकेदार की लापरवाही की वजह से एक बड़ा हादसा टल गया है, दो चार लोगों की चोटें आई है। अब खबर फरीदाबाद से है जहां पर पुलिस ने देश के कई राज्यों में SBI कस्टमर केयर के टोल फ्री नंबर से SBI बैंक कर्मचारी बनकर लोगों से ठगी की है। ठगी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश हुआ है, जिसका पर्दाफाश करते हुए साइबर टीम ने 7 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों के कब्जे से वारदात में 35 मोबाइल फोन, 15 ATM कार्ड और 22,60,000 रुपए बरामद किए गए हैं। शातिर ठग गिरोह देश भर के विभिन्न राज्यों में 187 वारदातों को अंजाम दे चुके हैं। खबर लखीमपुर खीरी से है जहां सूरत नगर का युवक मुहान नदी के पार अपने खेत की रखवाली कर रहा था। जब वो आवारा पशुओं को खेत से भगाने गया तभी अचानक नदी किनारे पैर फिसलने से नदी में गिरकर युवक की पानी में डूबने से मौत हो गई। वहीं युवक पत्नी ने उसकी सूचना तिकुनिया कोतवाली में दी, जिसके बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। जी सर, जसनगर उनका घर है और ये नदी पार खेती करते थे सर। कौन? ये खेती कर रहे थे। कौन, क्या नाम है इनका? टेनी, टेनी सानी। पिताजी का नाम? नेबूलाल। क्या उम्र थी? मैं उनके भाई हूँ सर। उनकी उम्र क्या थी? उम्र 48 साल था सर। 48 साल जी। अच्छा, घटना क्या हुई? घटना ये हुई सर कि जैसे वो नदी उस बगल खेती कर रहे थे, गेहूँ लगा रखे हैं, वहाँ गाय वो जैसे परेशान करती थी, वही बचा रहे थे रेता में। और 4 बजे शाम का कोहरा थोड़ा ज्यादा था और गाय हांकने गए थे। हमीरपुर ने ठेकेदार की ओर से नाला निर्माण कराया गया था, लेकिन बारिश ने ठेकेदार की पोल खोल कर रख दी है। नव निर्मित नाला महज 5 दिन के अंदर पूरी तरह से ढह गया, जिसके बाद मौके पर लोगों का जमावड़ा लग गया। वहीं ग्रामवासियों ने ठेकेदार पर आरोप लगाते हुए कहा कि ठेकेदार ने काम सही से नहीं कराया है। हालांकि सुमेरपुर खंड विकास अधिकारी से बात की गई, जिसके बाद अधिकारी ने बताया कि जांच के बाद कार्रवाई की जाएगी। उत्तर प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।